में ये भी शामिल है कि 25 साल बाद एक ऐसा मौका आने वाला है जब राष्ट्रीय मिशन जो है वो स्थगित करना पड़ रहा है। कोरोना टीकाकरण के एक दिन बाद शुरू होने वाला पल्स पोलियो कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते फैसला लिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 16 जनवरी को शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के तहत कुछ समय के लिए पल्स पोलियो अभियान टाला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो मिशन को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। 9 जनवरी को जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि 16 जनवरी से देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। इस आदेश में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम रद्द करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। आदेश में कहा गया है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि राज्यों को इस आदेश की कॉपी अभी नहीं मिली है जिसमें पोलियो कार्यक्रम को लेकर इंतजामों को रद्द करने की बात कही गई हो। देश में कोरोना टीकाकरण के एक दिन बाद यानी 17 जनवरी से पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत होनी थी, जिसके तहत 5 साल से कम उम्र के लाखों बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जानी है। बता दें कि सरकार 17 जनवरी से कोरोना टीकाकरण के पहले फेज की शुरुआत कर रही है। इसके तहत 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दूसरी बीमारियों के लिए सामान्य तौर पर चलने वाला टीकाकरण कार्यक्रम भी प्रभावित ना हो। हर साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर होने वाला पोलियो कार्यक्रम बहुमूल्य कार्यक्रम है। ये 17 जनवरी से शुरू होता है जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी है। इसके तहत 17 करोड़ 2 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। उन्हें पोलियो के वायरस से जो बचाती है। भारत में पोलियो का आखिरी केस साल 2011 में दर्ज हुआ था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।